जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल से लेकर आज तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा के बहमनू में हुई इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। मारे गए तीनों आतंकी जाकिर मूसा गुट के हैं। मूसा वही आतंकी है जो हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हो गया था। जब आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ चल रही थी तब वहां प्रदर्शन भी चल रहे थे। फिलहाल फायरिंग रुक गई है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं पुलवामा की, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। 3 आतंकी मारे गए हैं, सेना के 3 जवान भी इस कार्रवाई में जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि ये तीनों आतंकी जाकिर मूसा गुट के हैं, वही आतंकी जो हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हो गया था। 24 घंटे से ज्यादा ये मुठभेड़ चली और जब ये मुठभेड़ चल रही थी तब आतंकियों के, माफ कीजिएगा, सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। और ये वही घर है जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने इस घर को उड़ा दिया है। 24 घंटे से ज्यादा ये मुठभेड़ चली, 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, 3 सुरक्षा बलों के जवान भी इसमें घायल हुए हैं। जाकिर मूसा गुट के आतंकी थे। मूसा वही आतंकी है जो हिजबुल से अलग हो गया था। और आपको बता दें कि जब ये मुठभेड़ चल रही थी तब वहां प्रदर्शन भी चल रहे थे। फिलहाल फायरिंग रुक गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही घर है जिसमें आतंकी घुसे हुए थे, छिपे हुए थे और इस घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के अजज में सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक जवान जख्मी हो गया है। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के अजज की, जहां सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हो गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के अजज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हुआ और अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।